हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम मायके में हैं और बिहार आए और यहाँ का फेमस लिट्टी चोखा ना खाएं? ऐसा हो नहीं सकता। बाहर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपना घर में तो पॉसिबल है ना। इसलिए आज सैटरडे भी था, इसलिए हम चले लिट्टी बनाने, वो भी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। वो भी आग में बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कि मैं बहुत दिन, मतलब 2 साल बाद लिट्टी चोखा आज खाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम दूध को उबाल लिए। दूध को उबालने के बाद देखिए बाबू को मम्मी ली है, नानी के साथ बाबू खेल रहा है और यहाँ पे पापा हैं। पापा आ गए थे तो यहाँ पे आग सुलग रहा है उधर। यहाँ पे मैं लिट्टी गढ़ रही थी, तो हमको लिट्टी करना आता उतना अच्छे से नहीं है। मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ना आग पर का लिट्टी बनाया। तो आग पर का लिट्टी का थोड़ा पतला, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, एकदम बैठने नहीं देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, सत्तू भुकड़ आ गया था और मतलब इसमें जो जो बहुत सारा सामान डाला जाता है सत्तू में, प्याज, लहसुन, हरा धनिया पत्ता, मिर्ची आदि, मंगरेला ज्वाइन, गोलकी, नींबू डाला जाता है और फिर टेस्टी सा एकदम बनता है। यहाँ पे मैं बेबी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा रो रहा था इसकी। फिर इसके बाद हम मम्मी यहाँ पे लिट्टी पूरे अच्छे से गढ़ दी। उसके बाद हम अभी जाएंगे लिट्टी को सेकने। तो यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी। यहाँ पे देखिए हम, और ये हमारे घर में बहुत पुराना ना, मेरे बाबा रहते थे तब के रहते हैं हमारे घर। घर का मतलब छोटा मोटा काम करते हैं। मेरे घर गाय रहती है ना, तो गाय का देख रेख करने के लिए और भी बहुत काम के लिए रहते हैं, हमारे घर ही रहते हैं। ये हमारे गांव के हैं, तो यहाँ पे हमारी मदद कर रहे थे लिट्टी बनाने में। तो यहाँ पे आग पे हमको अगर हो ही नहीं रहा था, मेरा हाथ जल जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे हम उनसे बोल रहे थे कि आप ही कर दीजिए, फिर भी हम सीख रहे थे क्योंकि कभी ना कभी हमको भी बनाना पड़ेगा। और हमको अच्छा लगता है लिट्टी आग वाला और उसमें घी डाल के। सब देखिए एकदम खाना बना के हॉस्पिटल में लिट्टी बन रहा है यहाँ। और ये जिसमें बन रहा है उसको बोलते हैं बोरसी, जो मिट्टी से बनाया जाता है, जिसमें मतलब उसको बना के रख दिया जाता है। उसमें लिट्टी जब भी बनाना है तो आग जला के और उसमें बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग पुरानी पुरानी बातें कर रहे थे, इनसे पूछे थे इनके बच्चे कहाँ हैं और यही सब बात कर रहे थे। तो यहाँ पे लिट्टी बन के तैयार हो गया, देखिए एकदम टेस्टी सा। वो हम लोग चार लोग हैं, तो थोड़ा सा ही लिट्टी बनाते। यहाँ पे हम लिट्टी को झाड़ रहे थे और मच्छर इतना है, बहुत ज़्यादा मच्छर है, एकदम खड़ा ही नहीं होने देगा इतना। सांप इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम लिट्टी को झाड़ रहे थे, कपड़ा में ऐसे करने से, हिलाने से सारा झड़ जाता है, एकदम लिट्टी साफ हो जाता है। और इसके बाद इसके एकदम घी के साथ टमाटर, आलू और बैंगन का चोखा बना हुआ था और हम धनिया पत्ता का चटनी बना रहे थे। यहाँ पे फिर चटनी, धनिया पत्ता का और चोखा, घी और एकदम टेस्टी सा हम अचार यहाँ पे डाल रहे थे। जब भी धनिया का पत्ता का चटनी बनाए उसमें आम का अचार डाल दें, इतना टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे हम चटनी बना लिए। पापा खाना लगाएगी, बाबू सो गया था, मम्मी खाना लगा रही है। पापा का देखिए चटनी और एकदम चोखा टेस्टी सा। और यहाँ पे मम्मी के साथ मस्ती कर रहे थे। देखिए बाबू उठ के तैयार हो गया। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, रात में तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, दिन में नहीं। यहाँ पे से मच्छरदानी ही दिखेगा। यहाँ पापा है,